सो गाइस आज हमारे सामने हैं दो बाइकें, एक है जिक्सर 250 SF और दूसरी है भाई अपने पास पल्सर F250। और आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं इन दोनों बाइकों में और बताने वाले हैं बैक टू बैक के इन दोनों बाइकों में क्या फ़र्क है। तो ये आप देख सकते हो सामने बजाज पल्सर F250, उधर जिक्सर 250 SF। भाई एक सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर कमेंट करके बोलता है कि भाई आदि भाई को बोलो कि वो अपना चैनल ओपन कर लेंगे। तो मैं उसको रिप्लाई करना भूल गया, मैंने चलो रिप्लाई करूंगा कि भाई चैनल तो बहुत पहले खोल लिया था भाई, 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं भाई। तो भाई को ना लिंक भी दे देना, तो भाई शेयर कर देगा। हां बिल्कुल बिल्कुल, लिंक शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले भाई फ्रंट से लुक्स देख लो दोनों बाइकों की। तो आप सामने देख सकते हो जिक्सर के अंदर आपको मिलती है LED हेडलाइट और दूसरी तरफ आपको पल्सर F250 में मिलता है हेडलाइट प्रोजेक्टर विद DRLs। और इंडिकेटर्स की बात करें तो भाई पल्सर में मिलता है आपको LED इंडिकेटर KTM वाला, और जिक्सर में बात करें तो इसमें मिलता है आपको बल्ब वाला इंडिकेटर, मतलब नॉर्मल बल्ब जो होते हैं वो, इसमें LED इंडिकेटर नहीं आते। सस्पेंशन की बात की जाए तो भाई पल्सर में भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और जिक्सर की बात की जाए तो जिक्सर में भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, लेकिन जिक्सर का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा वाइड है, ब्रॉड है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पल्सर F250 का जो सस्पेंशन है थोड़ा पतला सा लगता है देखने में, नैरो सा लगता है। ठीक है, टायर सेक्शन की बात की जाए तो भाई पल्सर F250 के अंदर मिलता है आपको 100 सेक्शन का टायर, और जिक्सर 250 की बात की जाए तो इसमें मिलता है आपको 110 सेक्शन का टायर। 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं आपको दोनों बाइकों के अंदर। ब्रेक्स की बात की जाए गाइस तो पल्सर F250 में मिलता है आपको सिंगल चैनल ABS और जिक्सर 250 में मिलता है आपको डुअल चैनल ABS। अब आ जाते हैं दोनों बाइकों के कंसोल पे। तो ये आप देख सकते हो पल्सर F250 का कुछ ऐसा है कंसोल देखने में। यहाँ बैटरी का इंडिकेटर है, साइड स्टैंड है और ECU है, यहाँ ऑयल इंडिकेटर है, उसके बाद यहाँ RPM और ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। RPM लिमिट का इंडिकेटर भी है, इधर ABS लाइट है। और भाई थ्रॉटल ट्यूब और स्विचेस की क्वालिटी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी कर दी है। जिक्सर के अंदर भी आपको मिलता है डिजिटल कंसोल, बट उतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना मतलब कि पल्सर F250 का है। क्योंकि कहने का मतलब ये कि पल्सर में आपको ये हाफ एनालॉग हाफ डिजिटल मिलता है और जिक्सर के अंदर आपको फुल्ली डिजिटल मिलता है। बाकी जिक्सर की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो भाई इसकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। गाइस बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जिक्सर में मिलती है आपको फुल्ली फेड, और पल्सर F250 की बात की जाए तो इसमें मिलती है आपको सेमी फेड, मतलब कि हाफ फेयरिंग एक तरीके से बोल सकते हो आप, और जिक्सर को आप फुल्ली फेयर्ड भाई बोल सकते हो। सीट की क्वालिटी की बात की जाए तो भाई इस बार बजाज ने काफ़ी अच्छी सीट की क्वालिटी दे दी है पहले के मुकाबले, मतलब पहली वाली जो बाइकें आती थी बजाज की उसके मुकाबले अगर इस बाइक को कंपेयर किया जाए तो भाई सीट की क्वालिटी बहुत शानदार दे रखी है। यहाँ भी इंजन की लुक्स देख सकते हो, डुअल टोन कलर में दे दिया इस बार। इधर आप चैन सेट की क्वालिटी देख सकते हो, भाई चैन सेट की क्वालिटी मेरे को KTM वाली लग रही है, जो KTM ड्यूक 250 के अंदर आती है सेम वही क्वालिटी लग रही है। और रियर की बात की जाए तो भाई रियर में भी दोनों बाइकों के अंदर आपको एक जैसी लुक्स देखने को मिलती है। रियर में आपको F250 में मिलते हैं LED इंडिकेटर, जबकि जिक्सर 250 SF के अंदर आपको LED इंडिकेटर नहीं मिलते रियर में भी। रियर टायर सेक्शन की बात की जाए तो भाई रियर टायर सेक्शन जिक्सर में मिलता है आपको 150 सेगमेंट का, और अगर F250 की बात की जाए तो इसका रियर टायर सेक्शन है 130 सेक्शन का। कहने का मतलब यार ये है कि इसमें कम से कम 140 सेक्शन का तो टायर आना चाहिए था, इधर 150 इधर 130 दोनों में काफ़ी डिफरेंस सा मतलब फील सा हो रहा है, और भाई देखने में भी काफ़ी फ़र्क सा लग रहा है। आप देख सकते हो भाई जिक्सर का जो व्हील है काफ़ी ब्रॉड लग रहा है और F250 का जो व्हील है वो काफ़ी नैरो सा लग रहा है। गाइस अगर दोनों बाइकों के प्राइस की बात की जाए तो जिक्सर 250 SF आती है 210,000 रुपये की ऑन रोड, और F250 की बात की जाए पल्सर F250 की बात की जाए तो ये आती है 165,000 रुपये की ऑन रोड। ये दिल्ली का प्राइस है भाई, बाकी हर स्टेट का जो प्राइस होता है थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, तो वो आप ऑनलाइन जाके चेक कर लेना, मतलब कि साइट्स पे जाके चेक कर सकते हो सुजुकी की भी और बजाज की भी, या डीलर से कंफर्म कर सकते हो। गाइस अगर माइलेज की बात की जाए तो माइलेज ऑलमोस्ट दोनों बाइकों का सेम है, 35 KMPL का जिक्सर देती है और 35 KMPL प्लस आपको F250 दे देगी। बट इंजन की बात की जाए तो भाई इंजन थोड़ा सा जिक्सर का पावरफुल है, मतलब कि 26 BHP के आसपास इसके इंजन की आउटपुट है, और जो पल्सर F250 है उसके इंजन की आउटपुट है 24 BHP। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिफरेंट है वो है ट्रांसमिशन का। F250 का जो ट्रांसमिशन है वो है 5 स्पीड, और जिक्सर 250 SF का जो ट्रांसमिशन है वो है 6 स्पीड, मतलब कि इसमें 5 गियर्स आते हैं और उसमें आते हैं 6 गियर्स। ऑयल कूल्ड इंजन है दोनों ही। एक मेजर डिफरेंट और है दोनों बाइकों में, यहाँ आपको पल्सर F250 के अंदर मिलता है चार्जिंग पोर्ट, जिक्सर के अंदर आपको एडिशनल पोर्ट लगवाना पड़ेगा, मतलब बाहर से लगवाना पड़ेगा, जिक्सर में इनबिल्ट नहीं आता, F250 के अंदर इनबिल्ट आता है। दोनों बाइकों के हॉर्न को टेस्ट कर लेते हैं।
ये है जिक्सर 250 के हॉर्न की साउंड, बहुत दबी हुई से साउंड आ रही है, और ये है पल्सर एफ 250 के हॉर्न की साउंड। क्या बात है, मेल हॉर्न दिया हुआ, फीमेल हॉर्न नहीं है, गुड, ये चीज़ अच्छी दी है बजाज ने। जिक्सर 250 के अंदर आपको साइड स्टैंड मिलता है, एफ 250 में भी आपको साइड स्टैंड मिलता है, लेकिन जिक्सर 250 में आपको मेन स्टैंड नहीं मिलता, जो कि आपको पल्सर एफ 250 में मिलता है। उसका मेन रीज़न ये है कि भाई ये सेमी स्पोर्ट्स है, वो फुल्ली स्पोर्ट्स है, मतलब आप इसको स्पोर्ट्स टूरर बोल सकते हो और इसको सेमी स्पोर्ट्स बोल सकते हो। तो भाई ये थी एक छोटी सी वीडियो पल्सर एफ 250 और जिक्सर 250 के कंपैरिजन की। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो आपको अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बताना कि भाई नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।